सदाई हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। जेल में बैठकर कोटली में कार्रवाइयां, खातून समेत मुलज़म गिरफ्तार। इस खबर की तफसीलात से कबल अर खबर से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थाना पुलिस कोटली सिटी का समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। जेल में बैठकर कोटली में चर्च सप्लाई करने वाले टीटी गैंग की खातून मंशात फरोश समेत पठान गिरफ्तार। लाखों मालियत के 14 किलो से जायद चर्च बरामद। दो मुकदमा दर्ज, तफ्तीश शुरू। तफसीलात के मुताबिक आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर आमिर अहमद शेख की ड्रग फ्री मुहिम और एसपी कोटली रियाज मुगल की हदायत पर एसएचओ थाना कोटली चौधरी मोहम्मद शहजाद ने हमरा एसआई इश्तियाक अली, एएसआई सरदार आरिफ, तफ्तीशी अफसर मोहम्मद जमील सैफ अल इस्लाम, हुसैन खान मोहम्मद बोस्तान, सफदर सादक, लियाकत काजमी अम्मार समेत लेडी कांस्टेबलान ने मोतबर जराय की इतला पर कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश जावेद पठान साकना कोरम एजेंसी के रिहायशी क्वार्टर पर छापा मारकर गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जा से कुल 5 किलो 100 ग्राम चर्स गर्दा बरामद करके मुकदमा इल्लत नंबर CNSA 9/15, 101/23 जबकि मुलजम जावेद पठान के इनकशाफ व निशानदेही पर जेल में बंद मुलजम मोतशिम यूसुफ साकना परथान अगार के घर छापा मारकर सीढ़ियों के नीचे खुफिया स्टोरनुमा कमरे के अंदर से चर्स कुल 7 पैकेट वजन 9 किलो 150 ग्राम बरामद करके दूसरा मुकदमा इल्लत नंबर 102/23 बाजुराम CNSA 9/15 दर्ज करके मुलजमा राइला जोजा यूसुफ साकना परथान कोटली को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इनकशफात वाज़ेह रहे। गैंग को मुलजम मोतशिम यूसुफ जो के मंशियात के मुकदमा में गिरफ्तार होकर कोटली जेल में बंद है, जो जेल के अंदर बैठकर गैंग को बाजरिया मोबाइल फ़ोन चला रहा था।